अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सबसे आसान तरीके से बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई की रेसिपी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया था, इसे हमने मीडियम फ्लेम पर बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो अब ये 1/2 लीटर हो चुका है। इसमें हम 100 ग्राम शक्कर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और इसमें हम ये शक्कर वाला दूध ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे घोलने के लिए 2 चम्मच दूध लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे आसान तरीका है ये कंडेंस मिल्क बनाने का, इससे आपका इंस्टेंट कंडेंस मिल्क तैयार हो जाता है। देखिए हमारा कितना बढ़िया कंडेंस मिल्क बन के तैयार हुआ है। इसे आप ज़्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे इस दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच बारीक चॉप किए हुए काजू लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक चॉप किए हुए बादाम, 1 चम्मच बारीक चॉप किए हुए पिस्ता, इन्हें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हरी इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम पकने देंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 पिंच पीला फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे फूड कलर इसलिए लिया है क्योंकि हर किसी के पास केसर अवेलेबल नहीं होती है, और अगर आपके पास फूड कलर भी नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डालने से इसमें बिल्कुल भी हल्दी की खुशबू नहीं आएगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो जब तक हमारा दूध और बॉईल होता है अच्छे से, तब तक के हम मैदा घोल लेते हैं। यहाँ पे हमने दो चम्मच यहाँ पे मैदा लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से घोल लेंगे। दूध को जल्दी गाढ़ा करने का सबसे आसान तरीका है ये, इससे हमारा दूध जो है गाढ़ा भी हो जाएगा और कम भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर ये मैदे का पेस्ट इसमें डाल दिया है, इसे हम 1 बॉईल आने तक पकाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम गैस को बंद करके। तो यहाँ पे हमने 1 पिज़्ज़ा सीड्स ली है, इसे हम स्केप की मदद से राउंड शेप में काट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी रसमलाई का पीस बन के तैयार हुआ है। तो हम सारी ही शीट्स को इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस शीट से बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसमलाई बनके तैयार होती है। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट है ये। तो इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 शीट से हमारी 8 रसमलाई बनके तैयार हुई है। और ये जो बाकी के पीसेस हैं इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी दूसरी शीट्स को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। अब एक कांटे की मदद से हम इनको इस तरीके से इनको कट कर लेंगे। सारे ही पीसेस को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, इससे जो दूध है वो आसानी से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर तक दूध इसमें चला जाएगा इससे। तो यहाँ पे हमने 1 सर्विंग प्लेट ली है, इसमें हम रसमलाई के कुछ पीसेस रख लेंगे। अब इसमें हम ये हमारा बनाया हुआ दूध डाल देंगे
थोड़ा थोड़ा करके। सबसे आसान तरीका है ये रसमलाई बनाने का, मुझे यकीन है आपने बीजा सीड से कभी भी रसमलाई नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी और ना ही सुना होगा आपने। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रसमलाई बनके तैयार हुई है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़े से हम इसमें पिस्ता के पीसेस डाल देंगे। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक खाली बॉक्स लिया है और इसमें हम ये बाकी के बचे हुए पीसेस भी इसमें हम रख लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें जमा लेंगे और इस पे हम ये दूध डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। इसे भी बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे देखना। और इसे भी हम अच्छे से गार्निश करके फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी कुछ पत्तियाँ गुलाब की रखेंगे। गुलाब की पत्तियों से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रसमलाई बनके तैयार हुई है। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी। सबसे आसान तरीके से बनने वाली रसमलाई है ये। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में लगे हुए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। अब मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी बनी है ये देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।